आज की इस वीडियो में मैं आपको RRR मूवी के फाइनली ग्लिम्स के बारे में अपडेट दूंगा, जय भीम की आपको रिलीज टाइमिंग भी बताऊंगा और पुनीत राजकुमार के लिए जो विशाल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में रवि तेजा की एक नई मूवी के बारे में भी अपडेट है। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज प्रियांशु और यू आर वॉचिंग पिक्चर रिव्यू। सबसे पहली अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हम सुपरस्टार रवि तेजा के बारे में। तो रवि तेजा काफ़ी कुछ दिनों से फ्लॉप मूवीज़ दिए जा रहे थे और हाल ही में उनकी रिलीज हुई क्रैक मूवी बहुत दिनों बाद एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। तो रवि तेजा क्रैक मूवी के बाद खिलाड़ी मूवी की शूटिंग में लग गए थे जो कि अब कंप्लीट होके रेडी है रिलीज़ होने के लिए। उसके बाद उनकी मूवी मास राजा भी रिलीज़ होने वाली है और अब रवि तेजा ने अपनी 70th फिल्म यानी कि 70वीं फिल्म का ऐलान कर दिया है जो कि एक नया प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल दिवाली के टाइम यानी कि 5 नवंबर को रिलीज़ होता हुआ नजर आएगा। इस बात का उन्होंने जो खुलासा किया था वह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया था एक पोस्टर के द्वारा जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है हीरो डजंट एग्जिस्ट यानी कि हीरो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं RRR मूवी के ग्लिम्स के बारे में। तो काफ़ी स्पेकुलेशंस के बाद मार्केट में इस बात की बहुत ज़्यादा हवा उड़ रही थी कि RRR मूवी का जो ग्लिम्स है वो अब आएंगे। तो फाइनली मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि 1 नवंबर यानी कि आज के दिन 11 बजे सुबह के 45 सेकेंड का ग्लिम्स देखने को मिलने वाला है हमें RRR मूवी का। तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद ग्लिम्स रिलीज हो चुका होगा, तो आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सूर्या की मूवी जय भीम के बारे में। तो सूर्या की मूवी जय भीम रिलीज़ होने वाली है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे 2 नवंबर को यानी 1 नवंबर की रात को। ये 10 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच आपको अपलोड होती हुई नज़र आएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अमेजॉन प्राइम पर जाकर देख सकते हो। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं पुनीत राजकुमार के बारे में। तो पुनीत राजकुमार की अच्छाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1500 से लेके 1800 छोटे बच्चों को वह फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, 45 से ज़्यादा उन्होंने घर बनवाए थे और बहुत सारे ऐसे काम थे जो वह कर रहे थे। विशाल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो वो भी फार्मर की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। तो विशाल ने अपनी एनिमी मूवी की प्री रिलीज इवेंट में बोल दिया है कि पुनीत राजकुमार जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी अब मैं लेता हूँ और मैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो विशाल द्वारा लिया गया। अगली अपडेट भी पुनीत राजकुमार से ही रिलेटेड है। तो पुनीत राजकुमार का जो पहला नाम था और जो उनका रियल नाम था वो था लोहित, जो हरिश्चंद्र के बेटे पर था। लेकिन हरिश्चंद्र के जो बेटे थे वह जल्दी मर गए थे, इस वजह से जो उनकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने उनका नाम चेंज करके लोहित से पुनीत रख दिया था जिसका मतलब होता है प्यार। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं विजय देवरकोंडा के भाई आनंद देवरकोंडा की आने वाली मूवी पुष्पका विमानम के बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसके ट्रेलर लॉन्च वाले दिन अल्लू अर्जुन स्पेशल गेस्ट थे और इसके ट्रेलर लॉन्च होने के इवेंट के बाद इसकी एक अच्छी खासी हाइप बन गई है और मोमेंटम भी क्रिएट हो गया है। ये मूवी 12 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, तो ये कैसा करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अगली अपडेट है अल्लू फैमिली से रिलेटेड। तो अल्लू फैमिली का एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आहा, जो कि पिछले साल रिलीज़ हुआ था और काफ़ी अच्छा खासा इसने मोमेंटम प्राप्त कर लिया था। इस प्लेटफॉर्म पे तेलुगू और साउथ की बहुत सारी मूवी रिलीज़ होती हैं। तो अब आहा 2.0 लॉन्च होने वाला है 2 नवंबर को, जो अल्लू अर्जुन लॉन्च करते हुए नजर आएंगे और उसका इवेंट भी रखा गया है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं राजा मुली के बारे में, जो अभी कुछ दिनों पहले कॉलेज में एज अ गेस्ट गए हुए थे। वहाँ पर एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि क्या हमको जूनियर NTR RRR मूवी में बस 30 मिनट के लिए ही दिखते हुए नज़र आएंगे, जिस पर राजामौली ने कहा कि मैं अभी मूवी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो राजामौली तो RRR के बारे में कुछ नहीं बताने वाले हैं, अब तो आने वाले टाइम यानी कि 7 जनवरी को ही पता चलेगा कि RRR मूवी कैसी है। फाइनल अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कुछ जो फोटोज़ हैं वो वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर। सबसे पहली जो फोटो है वो समंता की है, जो काफ़ी न्यूज़ में रह रही हैं आजकल, पहले अपने डिवोर्स के कारण, फिर कोर्ट केस के कारण, और अब उनकी जो फोटो है वो भी वायरल हो गई हैं। दूसरी जो पिक है वो पुनीत राजकुमार की है, जो उनके घर की पिक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये थी कुछ छोटी मोटी अपडेट जो साउथ मीडिया से निकल के आई। बाकी की अपडेट्स के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।